फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम इमानुएल माइक्रोन, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, नमस्कार, वंशवार, जोहार। एक ही मायनों में एक ऐतिहासिक और यादगार क्षण है। शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि दो देशों के नेता लगातार एक दूसरे के राष्ट्रीय दिवस परेड और समारोह में मुख्य अतिथि रहे। हमारी दोस्ती के गहराई और हमारी साझेदारी की मजबूती का 14 जुलाई 2023 और 26 जनवरी 2024 को से बेहतर कोई प्रतीक नहीं हो सकता। भारत आज का 75वां गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के केवल 2 वर्ष बाद विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान लागू किया। इससे भारत एक गणतंत्र बना। हम भारतवासियों के लिए ये कोई नई शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हम सहस्राब्दियों से गणतंत्र की अवधारणा से परिचित थे। इस प्रबुद्ध संविधान ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारी यात्रा को आकार दिया है। इसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे विविध समाज को एक साथ जोड़कर रखा है। ये हमारे सामाजिक और आर्थिक प्रगति का मार्गदर्शक रहा है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय इसकी आधारशिला है। राष्ट्रपति महोदय, इन मूल्यों का उत्सव मनाने के लिए फ्रांस के हमारे मित्रों से बेहतर कौन हो सकता है? आज के देश के निवासियों ने, आपके देश के निवासियों ने 200 साल से भी पहले इन्हीं मूल्यों का आह्वान किया, अपने देश को एक गणतंत्र का स्वरूप दिया और विश्वभर में असंख्य लोगों को प्रेरित किया। हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जिन मित्रों ने आज़ादी के बाद की हमारी यात्रा के सबसे कठिन चुनौतियों में हमारे साथ दिया, वे आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण अवसर पर मौजूद है। लेकिन हमारे संबंध इससे भी ज़्यादा गहरे और पुराने हैं। इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों में हमारे लोगों ने अपने विचारों और आदर्शों से एक दूसरे को प्रेरित किया। हमने दर्शन, साहित्य, कला, धर्म ग्रंथ, भाषाओं और यहाँ तक कि रत्न, आभूषणों और सूत्रों कला के माध्यम से एक दूसरे को समृद्ध किया है। एक तरफ यदि सोच लीजिए और कर्तव्य पथ मार्च कर रहे हैं हमारे सैनिक, हमारी एकजुटता का प्रतीक है, तो दूसरी ओर एफिल टावर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या गेटवे ऑफ इंडिया पर डियर फैशन शो का आयोजन हमारे गहरे संबंधों को दर्शाते हैं। पेरिस भारतीय पर्यटकों के लिए एक प्रिय गंतव्य है। ऐसे ही फ्रांस विदेशों से भारत में पर्यटन आय में शीर्ष योगदानकर्ताओं में से एक है। पिछले साल 4 प्रमुख पेरिस संग्रहालय ने भारतीय प्रदर्शनी की मेजबानी की। खान पान के मामले में भी हम अपनी अपनी विशेषताओं से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जिस तरह फ्रांस में प्राचीन भारतीय भाषा और वैदिक अध्ययन के दिग्गज विद्वान है, उसी तरह भारतीय छात्रों में फ्रांस भाषा बहुत लोकप्रिय है। सिनेमा की तरफ देखें तो वहाँ भी भारत और फ्रांस जुड़े हुए हैं। चाहे वो हमारे प्रख्यात निर्देशकों पर फ्रेंच न्यू वेव का प्रभाव हो या कान के रेड कारपेट पर भारतीय फिल्मों और सितारों की बढ़ती उपस्थिति। पिछले साल अगस्त में मुझे पुडुचेरी जाने का अवसर मिला। वहाँ मैंने विविध प्राक सांस्कृतिक धाराओं का अनोखा मिश्रण देखा। पुडुचेरी की वास्तुकला, त्यौहार और जीवन शैली एक जीवंत परंपरा है, जहाँ फ्रांसीसी प्रभाव भी देखने को मिलता है। वहाँ के लोगों का फ्रांस के प्रवासी भारतीय समुदाय से भी गहरा संबंध है। मुझे वहाँ अनुभव हुआ कि दरअसल पुडुचेरी फ्रांस और भारत के बीच दोस्ती का जीवंत पुल है।
देवियों और सोजनों, हस्तलिप से लेकर हस्तशिल्प से लेकर अंतरिक्ष तक भारत और फ्रांस भविष्य की ओर एक साथ अग्रसर है। हम साथ मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो हमारे लोगों, विशेषकर हमारे युवाओं के लिए मायने रखता है। ये आशापूर्ण भविष्य समान अवसरों का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, अनुसंधान और नवाचार का और स्वच्छ वातावरण का हम निर्माण कर रहे हैं, मजबूत और सफल फ्रांस का, सुरक्षित और विकसित भारत का और एक शांतिपूर्ण विश्व का। राष्ट्रपति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री के साथ अपने 2047 तक भारत के अमृतकाल के लिए हमारी साझेदारी की एक महत्वाकांक्षी विजन की रूपरेखा तैयार की है। आज हमारे साथ आपकी उपस्थिति ने इस विजन को पूरा करने के लिए हमारे उत्साह को और बढ़ा दिया है। आज हम दुनिया के सामने एक साथ खड़े हैं, दो महान गणतंत्रों जिनका मानव प्रगति में विशिष्ट योगदान है, जो विचारों में स्वतंत्र, नीतियों में जिम्मेदार और दुनिया की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मित्रता की सहजता और हमारे साझेदारी की ताकत हमारे भविष्य की यात्रा को उज्जवल करेगी। इन शब्दों के साथ, महामहिम देवियों और स्वजनों, आइए हम सब मिलकर महामहिम के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण, फ्रांस के लोगों की निरंतर प्रगति और समृद्धि और भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती को हमेशा बनाए रखने के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीम ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट एंड लाइफस्टाइल हब खिदिरपुर। K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now